जिला जहां जाप संरक्षक पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है। कोरोना काल में पप्पू यादव की गिरफ्तारी से पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में सीएम नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकाला। जाप कार्यकर्ता इस जुलूस को जाप जिलाध्यक्ष रंजन यादव के आवास से लेकर शिवपुरी ढाला तक गए और वहां हिंदू रीति रिवाज से अर्थी को जलाया गया और वाल भी मुड़वाया। इस दौरान जाप कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और पप्पू यादव की रिहाई की मांग की। वही समीर पाठक ने कहा कि आज जिस तरह बिहार में नीतीश कुमार की सरकार मर चुकी है, उसी तरह जन अधिकार पार्टी नीतीश कुमार के अर्थी जुलूस निकाल कर जिंदा नीतीश कुमार को मारने का काम कर रही है। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर पप्पू यादव की रिहाई नहीं होती है तब तक हम लोग पंचायत से लेकर जिला तक अनवरत इस आंदोलन को जारी रखेंगे। सहरसा से इंद्रदेव की रिपोर्ट। आज सुबह में 3:45 में बिहार सरकार नीतीश कुमार का देहांत हो गया, जिसके शोक में पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता रोड पे आए हुए हैं। नीतीश कुमार का भी अर्थी जुलूस हम लोग निकाल रहे हैं। आज पप्पू यादव जी अगर अंदर नहीं होते, बाहर रहते, तो ये कोरोना से नीतीश कुमार जी का मौत नहीं होता। पप्पू यादव की आवश्यकता है, नीतीश जी को आज ऊपर चले गए हैं बेचारे, इसलिए उनको अब याद आएगा कि नीतीश पप्पू जी को बाहर रहना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, पप्पू यादव को जल्द से जल्द रिहा करें और बेकसूर को मरने से बचाए। समीर पाठक, युवा जिला अध्यक्ष सहरसा।